मारुति सुजुकी CW के नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं अभी, और ये रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट वाइज होते हैं। स्टेट वाइज यानी कि जिस स्टेट की वैकेंसी आती है उसी स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अधिकतर कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, उसके साथ में जो अन्य ट्रेड हैं वो भी कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। यहाँ पे ये भर्ती आपकी कंसल्टेंट के द्वारा होती है, यानी कि मारुति सुजुकी कंपनी रोल पे आपको नहीं लेती है, आप एक कंसल्टेंट के द्वारा जाते हैं, लेकिन सुविधाएं आपको सभी कंपनी की दी जाती हैं। यहाँ पे आपकी यूनिफॉर्म चेंज रहती है, जॉब 1 साल की रहती है। जैसे आप TW1 या TW2 करने के बाद CT का एग्जाम दे पाएंगे, यानी कि 3 साल की जॉब के लिए, उसी तरीके से आप CW 1 साल का कीजिए और 3 साल की जॉब के लिए CT का एग्जाम आप दे सकते हैं। अच्छा खासा यहाँ पे सैलरी आपको पे आउट किया जाता है। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है CW कैटेगरी की, यहाँ पे कम से कम आपका 27-28 हज़ार रुपए टोटल पड़ता है। इन हैंड में आपको 24 हज़ार तक यहाँ पे मिल जाता है अगर पूरे महीने काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आपको छुट्टियां भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, यहाँ पे वीकली संडे ऑफ रहता है। कैंटीन की सुविधा बहुत ही अच्छी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे अच्छी सुविधाएं मारुति सुजुकी ही आपको प्रोवाइड करती है। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आपको हम ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलेंगे, नोटिफिकेशन पूरा दिखाएंगे, कैसे आपको स्टेट अपना सिलेक्ट करना है वो भी आप देख पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर दिया है मारुति सुजुकी CW यानी कंट्रेक्चुअल वर्कमैन हायरिंग का। यहाँ पे UP और राजस्थान के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सा स्टेट सिलेक्ट करना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और क्या यहाँ पे आपकी एज रखी गई है, और भी यहाँ पे इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानेंगे हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही। एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाएंगे और कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय प्रॉब्लम आती है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, 18-26 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, NCVT SCVT प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज से अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, गर्ल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अभी हम आपको दिखाएंगे ऑलरेडी वाले कैसे यहाँ पे करेंगे और जो न्यू कैंडिडेट हैं वो कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपको दो टाइप से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पहला न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है उनको लॉगिन करके देख लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको पहले यूजर नेम में अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड में यहाँ पे 1234 या फिर 12345 डालकर चेक करना है। अभी हम बात करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन की, न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम आपको स्टेट भी चूज करके दिखाएंगे प्रूफ के साथ में, जिससे कि आपको कोई डाउट ना लगे कि यहाँ पे यूपी वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे रजिस्टर फॉर CW लिख के आ गया। यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जिसको आप वेरीफाई करेंगे सेंड OTP करके, ठीक है। OTP जैसे ही वेरीफाई हो जाता है उसके बाद में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने पिताजी का नाम, 4 डॉक्यूमेंट के अनुसार आपको अलग अलग डालना पड़ेगा। यहाँ पे 10th के अनुसार आपको डालना है, ठीक है। उसके नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पे आप तो ITI के अनुसार आपको डालना है। ITI के बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है। इसके बाद में लास्ट में आपको पैन कार्ड के अनुसार भी यहाँ पे अपना नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गलत हुआ तो आप फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, दोबारा जब वैकेंसी आए तब अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो पेंडिंग में हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यहाँ पे हम स्टेट पे क्लिक करेंगे, स्टेट पे देखिए यहाँ पे राजस्थान और उत्तर प्रदेश आ रहा है, ठीक है। ये दो स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अन्य स्टेट के कैंडिडेट की वैकेंसी आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। हमें यहाँ पे बिल्कुल ही नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में ITI लोकेशन डालनी पड़ेगी, कौन सा ITI था, गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारी ट्रेड ली जा रही है, जो आपकी ट्रेड है वो ट्रेड से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर की जानकारी पूछी जाती है, कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर है तो यहाँ पे MS Word आप नॉर्मल चला लेंगे, MS Excel आपने सीखा हो, यहाँ पे इंटरनेट के बारे में जानते हैं, बेसिक जानते हैं, और नील वाला ये जो कॉलम है उसको हटा देंगे, ये आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पे इंटरव्यू में यही सब पूछा जाएगा, नॉर्मल आपका इंटरव्यू होता है, 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो भी आपकी ट्रेड के अनुसार पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको एक फोटो अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे 2 MB से कम का फोटो होना चाहिए, JPG और PNG में होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करते समय या अप्लाई करने के बाद में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, और यहाँ पे सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, यूपी और राजस्थान के कैंडिडेट के अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप कॉपी करके मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं।